हेलो दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ फोन की कुछ ऐसी तगड़ी सेटिंग के बारे में जिससे भाई अपनी बैटरी को आप 3 से 4 दिन तक चला सकते हो। तो भाई क्या है वो सेटिंग, उसके लिए भाई आपको जाना पड़ेगा अपनी फोन की सेटिंग्स के अंदर। और भाई ध्यान से देखना वीडियो को, इसके अंदर जाना पड़ेगा भाई आपको अपने फोन की एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। तो देखो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भाई आपको मिलेगा एक ऑप्शन डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। अगर ये वाली सेटिंग आपके फोन में नहीं है तो भाई आपको अपने फोन को एक बार अपने उसके बिल्ड नंबर पे जाने के बाद, ठीक है, वहां पे जैसे आप अबाउट डिवाइस के अंदर जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे मिलेगा वर्जन, वर्जन के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर मिलेगा। इस पर आप 7 बार टैप करोगे तो भाई आपका जो है, देखो मेरा तो ऑलरेडी हो रखा है, तो आप इस पर बिल्ड नंबर पे 7 बार टाइप कर दोगे ना, टैप कर दोगे तो भाई आपका वहां से वो जो सेटिंग है, कौन सी सेटिंग, डेवलपर ऑप्शन वाली सेटिंग जो है वो भाई आपकी ऑन हो जाएगी, ये ऑप्शन आ जाएगा, ये वैसे फोन में आता नहीं है। तो इसके अंदर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक जाओगे यहाँ से आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो चुका है। उसके बाद है भाई आपको उसके अंदर एक सेटिंग जो है, सबसे पहली वाली जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या है, वो आपको ढूंढनी है इसके अंदर। देखो जैसे आप नीचे चलोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी एक सेटिंग, ये देखो थोड़ा भाई इसमें बहुत सारी सेटिंग होती है, वाईफाई स्कैन थ्रॉटिंग, ठीक है भाई। तो ये वाली बैटरी सेटिंग जो इसमें क्या, रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इंप्रूव नेटवर्क प्रॉब्लम, ये वाली सेटिंग भाई आपके फोन में ऑन होनी चाहिए, ये ऑफ होती है, तो ये वाली आपके फोन में ऑन होनी चाहिए। तो भाई ये आपकी बैटरी का जो ड्रेन होती है उसको रिड्यूस कर देती है। तो वो ये वाली भाई सेटिंग आपके फोन में ऑन होनी चाहिए, इसके डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको जाके सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरी सेटिंग आपको बताता हूँ, दूसरी सेटिंग आपको इसके अंदर नीचे जाना पड़ेगा। दूसरी सेटिंग है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी है, ये देखिए। तो दूसरी सेटिंग के ऊपर चलते हैं, दूसरी सेटिंग है हमारे फोन के अंदर, दूसरी सेटिंग भाई आपको दिखाता हूँ यहाँ पे है ग्राफिक्स ड्राइवर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये सेटिंग भी भाई आपके फोन के अंदर ऑन होनी चाहिए, क्योंकि ये भी भाई बहुत उसके अंदर आपकी बैटरी को जो है बहुत बैटरी को खत्म करती है। तो ये वाली सेटिंग देख लेना, ये वाली सेटिंग भी आपके फोन में ऑन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं भाई दूसरी सेटिंग के अंदर, दूसरी सेटिंग है इसके अंदर भाई, अभी मैं आपको दिखाता हूँ तीसरी सेटिंग जो है, उसको फटाफट से देख लेते हैं इसके अंदर। ये है भाई वो दूसरी सेटिंग, उसका नाम है ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट। भाई देखो यहाँ पे ऊपर होगी, इसमें भाई बहुत सारी सेटिंग है, ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये वाली है ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट, ठीक है। अगर ये आपके फोन में ऑन है तो इसको भाई आपको बंद कर देना है, क्योंकि ये क्या करता है, अप्लाई अपडेट व्हेन डिवाइस स्टार्ट, तो भाई क्या आपके फोन में जो अपडेट आते हैं उनको ऑटोमेटिक करता रहता है, उससे भाई आपकी जो है बहुत ही बैटरी खत्म होती रहती है, ठीक है। उसके बाद एक और सेटिंग भाई वो है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट की, ठीक है, उसे भी ढूंढते हैं कहाँ पर है। तो वो भाई थोड़ा सा इसमें देखने में थोड़ा वो हो जाता है, तो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट की एक और सेटिंग है इसके अंदर, उसको भी ढूंढते हैं फटाफट से। तो वो है, देखिए भी फटाफट से आपके, मैं दिखा, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, तो भाई आपको भी ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगेगा, इसलिए आराम से मैं आपको दिखा रहा हूँ करके। तो ये देखिए अभी यहाँ पे देखो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ये वाली सेटिंग आपके फ़ोन में आ जाएगी, तो इसके ऊपर ऑप्शन कर देना है। तो भाई ये स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट होती है, तो इसको आपको नो ये बैकग्राउंड पे कर देना, नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट के ऊपर यहाँ पे आपको इसको कर देना, क्योंकि भाई इससे भी आपकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा फ़ोन आपका खाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है भाई। उसके बाद एक और सेटिंग इसके अंदर है, उसको मैं बताता हूँ आपको। पाँचवीं सेटिंग है भाई, बड़ी तगड़ी सेटिंग है, और सेटिंग का नाम है डोंट कीप एक्टिव, ठीक है। उसको भी भाई ढूंढ लेते हैं, बस इसमें ढूंढना ही बहुत मुश्किल काम है भाई, तो आपको मैं बताता हूँ आराम आराम से, वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं ताकि ये डू डोंट कीप एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसके क्या है भाई, ये यहाँ से ऑन कर दोगे तो डिस्ट्रॉय एवरी एक्टिविटी एज सून एज यूर लीव इट, ठीक है। जो भी भाई आप उसको छोड़ोगे तो ये यहाँ से अपने आप उसको बंद कर देगी, ठीक है। डोंट कीप एक्टिविटीज, जो भी ऐप चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो अगर वो बैकग्राउंड में चलती रहेगी तो भाई ये वाली सेटिंग करने से क्या है, वो उसको अपने आप से ऑफ कर देगी आपकी उस ऐप को जो है, तो आपके बैकग्राउंड में आपका डाटा को यूज नहीं कर पाएगी, तो ठीक है भाई। तो ये वाले इस अंदर सारी सेटिंग है डेवलपर ऑप्शन के अंदर, ठीक है भाई। तो आपको ये सारी सेटिंग्स अपने फ़ोन के अंदर कर लेनी है, और आपकी फ़ोन की बैटरी जो है वो 3 से 4 दिन तक मस्त चलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।